बढ़ती महंगाई के मद्देनजर पेंट, मिट्टी, सजावटी सामान और कारीगरों की लागत में बढ़ोतरी के कारण पिछले साल की तुलना में इस साल गणेश प्रतिमाओं की कीमतों में 15-20% की बढ़ोतरी हुई है। दिलचस्प बात यह है कि इस समय मिट्टी की इतनी मात्रा उपलब्ध न होने के कारण 2.5-3 लाख मिट्टी की मूर्तियों की मांग थी, जिससे मूर्तिकारों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। 2 साल बाद अब गणेशोत्सव बिना किसी रोक टोक के मनाया जाएगा। जब गणेशोत्सव 10 दिन दूर है तो मूर्तिकारों का 80% काम पूरा हो चुका है। गणेश भक्तों के साथ साथ जनता में भी उत्साह का माहौल देखा जा सकता है। हालांकि आवश्यक वस्तुओं सहित सभी वस्तुओं की कीमतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इसका असर गणेशोत्सव पर भी पड़ा है। इस वर्ष गणेश जी की मूर्ति बनाने के लिए आवश्यक मिट्टी, पेंट और कारीगरों की लागत में वृद्धि हुई है। मूर्तिकार नितिन इंगले ने कहा कि बढ़ती महंगाई का असर गणेश प्रतिमाओं की कीमत पर भी पड़ा है। पिछले साल गणेशोत्सव पर कोरोना के खतरे को लेकर गणेश भक्तों में उत्साह कम रहा, वहीं मूर्तिकारों ने ये अनुमान लगाकर मूर्तियों को छोटा कर दिया। हालांकि 2 महीने पहले मूर्तियों और त्योहारों पर प्रतिबंध हटाए जाने के बाद से मूर्तियों की मांग बढ़ गई है। इसलिए इस वर्ष शहर और जिले के पारंपरिक मूर्तिकारों ने गणेश प्रतिमाओं का आकार दोगुना कर दिया है। इससे बाजार में तरह तरह की मूर्तियाँ देखने को मिल जाएंगी।